सो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। आज हम फोटो एडिट करने वाले हैं कुछ इस टाइप की, ठीक है। इस बारे बैकग्राउंड पे इस फोटो को हम एडिट करेंगे, ठीक है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, ग्रे हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। तो इस बारे फोटो को हम एडिट करेंगे, ठीक है, इस बारे बैकग्राउंड पे, इस वाले पे, और इस फोटो ऐसा कर देंगे, ठीक है। तो बिना कोई देरी के करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, हम इस बैकग्राउंड को शेयर कर लेंगे अपने पिक्सार्ट ऐप के अंदर, ठीक है। और इसको एफएक्स पे जाएंगे, पहले हम एफएक्स पे जाके और उसके ब्लर कर लेंगे, इस क्वालिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ब्लर करने के बाद एड फोटो पे क्लिक करेंगे और अपने मॉडल के फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे और उसको जूम करके कुछ इस साइड से जमा लेंगे, ठीक है। एडजस्ट कर लेना है बैकग्राउंड में, ठीक है। एडजस्ट मैं करके बताते रहूँ और इसके हेयर को थोड़ा कट कर लेंगे, जाके दूसरा हेयर लगाएंगे तो आसानी होगी अपन को, ठीक है। ये हमारा हेयर फटाफट में कट करके बता देता हूँ। इससे साइड से भी कट कर देना है, इधर से भी कट कर देना है, ठीक है। और इधर से अभी सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ से सेव करके और फिर से ऐड फोटो को क्लिक कर लेना है सेव करने के बाद। और यहाँ पे दो PNG ऐड कर रहा हूँ मैं, इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं, ठीक है। तो इनको यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल PNG को, और इसको इरेज कर लेंगे और अपने हेयर पर कुछ इस तरह से जमा लेंगे, ठीक है। मैं फटाफट करके बता देता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। यहाँ से इरेज कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ से फटाफट हो जाएगा। इसको थोड़ा इधर कर लेंगे जाके ये बिल्कुल रियलिस्टिक लगना चाहिए, लेकिन वो लग रहा है फेक। इसको हम रियलिस्टिक बनाने के लिए अभी गूगल ऐड करेंगे इसको, ठीक है। सेकंड PNG ऐड हो चुका है, सेकंड PNG भी ऐड कर लेते हैं। इसको रोटेट कर लेना है पहले, ठीक है। इसको रोटेट कर लो इस साइड से और इसको इरेज कर लेंगे पहले, हमारा गूगल को इरेज कर लेंगे इसको फटाफट। इसको भी मैं फटाफट इरेज करके बता देता हूँ, नहीं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आप बिल्कुल आराम से करना, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ तो फोटो थोड़ा ऐसा ही होगा, लेकिन आप बिल्कुल आराम से करना है प्रोसेस, तो आपका फ़ोटो बिल्कुल HD क्वालिटी में एडिट होगा, ठीक है गाइस। तो इसको हम फटाफट एडिट कर लेंगे। पता नहीं मैंने इतने मिनट में कितनी बार गाइस बोल चुका हूँ। तो चलो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको अच्छी तरह आप अच्छी तरह से इरेज कर लेना, ठीक है। यहाँ से इरेज होने वाला है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और ये कंप्लीट हो गया गाइस, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। और इसको ऊपर सेट करके अपने माथे पे इसको एडजस्ट कर लेना, और नीचे हैंड की साइड पे ब्लैक ब्लैक कर रहा है, इसको भी इरेज कर लेंगे अभी अपन, ठीक है। इरेज कर लेना है, बगल में से भी इरेज कर लेना है और इसको सेव कर लेंगे, ठीक है। इसको सेव कर लेंगे और एड फोटो पे क्लिक करेंगे और दो PNG इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऑल PNG का। इस पर ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और स्क्रीन कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अभी सेकंड PNG को लेंगे और इसको भी ब्लेंड पे क्लिक करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। इसको स्क्रीन नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है और उसको इस तरह जमाना, और फर्स्ट PNG पे क्लिक करना है, इरेजर पे क्लिक करके और जो अपने आप फेस पे आ रहा है उसको इरेज कर लेना है, ठीक है। और हैंड पे भी जो कुछ हैंड पे और फेस पे आ रहा है उसको इरेज कर लेना है और यहाँ से भी सेव कर लेना है, ठीक है। यहाँ से भी सेव कर लेना है और ब्यूटी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आइज पे क्लिक करके यहाँ पे लेंस लगा लेना है अपनी आँखों में। मैं बता रहा हूँ कौन सा लेंस लगाना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आ जाना है और ये वाला लेंस ले लेना है, ठीक है। और इसकी क्वालिटी बढ़ाकर और इसको अपनी आँखों पे एडजस्ट कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। जूम करके कर लेना, मैं फास्ट फास्ट बता रहा हूँ, आप आराम से करना, ठीक है। यहाँ पे फिक्स एडजस्ट कर लेना है, एडजस्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया तो इसको इरेजर कर लेंगे, इरेज कर लेंगे अपन इधर से आँखों से थोड़े नीचे से, इसको भी इरेज कर लेना है। इस सेकंड वाले को भी इरेज कर लेना है, ठीक है। फटाफट बता रहा हूँ मैं, इसको भी इरेज कर लेना है और यहाँ पे सेव कर लेना है इसको, ठीक है। फिर से एक बार करना है यहाँ पे हेयर पे क्लिक और इधर रेड वाला को सिलेक्ट कर लेना और अपने लिप्स पे कुछ इस तरह से चला देना है इसको बढ़ाकर, ठीक है। इस तरह से ज़्यादा ही रेड हो रहा है, इसको हम थोड़ा कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा इतना कम कर लें, कम हो गया, थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। सेव कर लेते हैं अभी हम, अरे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, थोड़ा कम कर देते हैं इसको, नहीं हो रहा, चलो रहने दो, ठीक है गाइस। तो अब हम इसको शेयर कर लेंगे लाइट रूम के अंदर,
इसको हम वाइट करेंगे फोटो को। लाइट रूम एप्स के अंदर शेयर आ चुका है लाइट रूम एप्स के अंदर, तो इधर ऑल फोटो सिलेक्ट करना है। नीचे एक पी सेट है, उसकी सेटिंग को कॉपी कर लेना है। मैं इस पी सेट का लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। इसकी सेटिंग को कॉपी कर लेना है थ्री डॉट पर नीचे वाले पर क्लिक करके, और कॉपी करने के बाद अपने फ़ोटो पर जाना है, उस पर क्लिक करना है और थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और अभी कॉपी किया था अब पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये हमारा फोटो अच्छी तरह से आ चुका है, सभी सेटिंग इस पर अप्लाई हो चुकी है, ठीक है। अभी लाइट पर क्लिक करना है और इसकी हाईलाइट को कम कर देना है थोड़ा, देखो कितना 14 रख देना है, ठीक है। इससे हमारा फोटो थोड़ा वाइट होने हो जाएगा, ठीक है। इसकी और हमारे ऑरेंज वाला है ना, इसकी सेचुरेशन को बड़ा माइनस कर देना और इसको ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है, हमारा फेस वाइट हो जाएगा। देखो हो गया कि नहीं वाइट पहले से, हाँ हो गया। इसकी सेचुरेशन को कम करके ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है, ठीक है। और बाकी सभी सेटिंग में जो घटा बढ़ा रहा हूँ उनको अब घटा बढ़ा देना, बाकी सेम ही रहेगी पी सेट के अनुसार, ठीक है। जो सेटिंग है वो सारी मैं बढ़ा देता हूँ, बाकी जैसी की तैसी रहेगी। आप पी सेट से आपको थोड़ा सा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा, जो मैंने घटाया है और बढ़ाया है उनको ही अब घटा बढ़ा लेना, ठीक है। और आपको कुछ इस तरह से फोटो एडिटिंग मिलेगी मेरे चैनल पर, ठीक है गाइस। सब्सक्राइब कर लेना, नीचे लाल कलर का बटन है, और मैं अपने टॉप 5 सब्सक्राइबर को फोटो एडिटिंग करके दूंगा। वैसे इतने सब्सक्राइबर आते तो नहीं है, लेकिन मैं जिसने भी सब्सक्राइब किया इस वीडियो को वो कमेंट कर देना, मैं उसकी फ़ोटो को एडिट करूँगा, सॉरी गाइस। तो हम इसको कर लेंगे अभी, क्या स्मूथ करने जाएंगे, ठीक है। वो तो कंप्लीट हो गया, स्मूथ करने जाएंगे हम इसको ऑटोडेस्क स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे करेंगे ब्रश पे क्लिक और इसकी सेटिंग को देख लेना, ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करना है, इसकी सेटिंग देख लेना, एक एक रखना और ऊपर साइज अपनी फ़ोटो के अनुसार रख लेना, और इसके अपने फेस पे ऐसे चलाएंगे, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट बता देता हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अपने फेस पे चला लेना कितनी अच्छी तरह से स्मूथ हो रहा है, अभी फटाफट कर लेते हैं, देखो गाइस फटाफट कर लेते हैं कितनी अच्छी तरह से स्मूथ हो रहा है अपना फेस। और अभी आपको फेस स्मूथ करने नहीं आता तो आप सीख जाएंगे इस वीडियो से कितनी HD क्वालिटी में आप अपने फेस को स्मूथ कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल HD क्वालिटी में आपके फ़ोटो एडिट हो गई, ना कि ऐसे ही होगी। आप अपने मोबाइल की फ़ोटो को बिल्कुल DSLR जैसा कर सकते हो, बिल्कुल। मेरे वीडियो आप जब भी मैं अपलोड करूँ आप सब्सक्राइब कर लेना, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचेगा, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर हमने अप्लाई कर लिया है, पूरे अपने फेस पे चला लेना, बहुत अच्छी क्वालिटी में स्मूथ हो रहा है एकदम अभी, ठीक है। ये हो चुका है अपना फेस, अभी अपना हैंड और जो ले गया गर्दन उस पर और कर लेते हैं, ठीक है। फटाफट कर देते हैं इस पर भी, हमारा फोटो कंप्लीट हो चुका है, बस स्मूथनेस करना ही बाकी रह गया था, स्मूथनेस करना ही बाकी रह गया था। यहाँ पर हैंड पर भी हैंड पर कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, एक कमेंट भी कर देना ताकि मैं आपके फ़ोटो को ले सकूं वहां से आपसे संपर्क करके। तो हमारी फ़ोटो हो चुकी है HD क्वालिटी में एडिट, देखो कितनी अच्छी तरह से एडिट हुई है हमारी फ़ोटो, ऑसम लग रही है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।